गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम करते हैं एसडी यादव से रेलगाड़ी वाले चैप्टर के जो क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, देखना चैप्टर नंबर 20। और इसमें क्वेश्चन हमने पहली वीडियो में 30 तक किए थे, आज करते हैं 31 से 80 तक क्वेश्चन। ओके, इससे पहले हम कुछ चीज़ें समझते हैं। जैसे देखना, एक आपको चाल और दूरी के मामले में बताया था। तो चाल तो जब विपरीत दिशा में होती है जुड़ती है, और एक दिशा में होती है तो उसमें माइनस होती है। इसमें हम दूरी के मामले में करेंगे, डिस्टेंस दूरी। देखना, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को, है ना, ये क्या है, जैसे कोई पुल है, ये कोई रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है, किसी पुल को पार करती है, प्लेटफॉर्म को, रेलगाड़ी को, है ना, या फिर रेलवे इंजन को, या किसी गुफा को या सुरंग को, तो इसकी जो लंबाई होती है ना, लंबाई कहिए या दूरी, इसकी दूरी हम जोड़ेंगे, किसकी, रेलगाड़ी की दूरी और प्लस पुल की दूरी। पुल या ये जितने भी ये सब दिए हैं, है ना, सुरंग है कोई, गुफा या रेलवे इंजन है कोई, खड़ा हुआ रेलवे इंजन है या चलता हुआ रेलवे इंजन है, और चाहे वो एक ही दिशा में है या विपरीत दिशा में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई रेलगाड़ी एक दूसरी रेलगाड़ी को अगर पार करती है, इंजन को पार करती है, तो लंबाई दोनों की जोड़ी जाएगी, है ना। इसकी लंबाई अगर हम ए ले लेते हैं और इसकी बी ले लेते हैं, तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी जुड़ेगी इसमें ए प्लस बी। ये पहली वीडियो में ऐसे बताया था आपको। दूसरी कंडीशन क्या, कोई भी रेलगाड़ी, है ना, किसी पेड़ किसी खंभे को, या खड़े हुए व्यक्ति को, या ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को, वो ट्रेन रुकी हुई है या चलती हुई है, मूविंग है, या फिर उसमें स्टेबल खड़ी हुई है, तो इसमें क्या होगा, दूरी नहीं जोड़ी जाएगी। रेलगाड़ी की अपनी जो लंबाई होगी ना, मान लीजिए इसकी लंबाई है ए, तो रेलगाड़ी की अपनी लंबाई ही दूरी का कार्य करेगी। दूरी कितनी हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस जीरो लेंगे, क्योंकि व्यक्ति या पेड़ की जो थिकनेस होगी ना, मोटाई, इस प्लेटफॉर्म के मुकाबले बहुत ही कम होगी, नगण्य, इसलिए हम इसको जीरो मान लेते हैं, है ना। रेलगाड़ी की लंबाई प्लस जीरो, यानी कि रेलगाड़ी की अपनी लंबाई ही दूरी का कार्य करेगी, है ना। एक लाइन में फिर से समझिए चीज, कोई रेलगाड़ी जब किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को, है ना, या फिर रेलगाड़ी, रेलवे इंजन, गुफा या सुरंग को पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों की जोड़ी जाएगी। मान लीजिए रेलवे की इसकी लंबाई है 100 मीटर रेल की, और प्लेटफॉर्म की लंबाई है 300 मीटर, तो 100 प्लस के 300, दूरी कितनी हो जाएगी, बराबर ये 400 मीटर की हो जाएगी, है ना। अगर कोई ट्रेन है, ट्रेन 100 मीटर लंबी है, और ये किसी पेड़ को पार करती है, तो 100 मीटर प्लस पेड़, बराबर क्या लिखेंगे इसको, 100 ही लिखेंगे हम। पेड़ की जो मोटाई है, यानी कि थिकनेस, इसको जीरो मान लिया करते हैं, है ना। और जब कोई ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को पार करती है, इसका मतलब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, सीधी सीधी सेंस है, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी, यानी कि दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, है ना। आंसर सब मीटर में दिए हुए हैं, तो दूरी किस किस की जोड़ी जाएगी, देखना। एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, एक रेलगाड़ी है, ट्रेन किसे पार कर रही है, प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो क्या आपको बताया था कि रेलगाड़ी की अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की अपनी लंबाई दोनों की जोड़ी जाएगी, ए प्लस बी, है ना। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की इसमें 200 मीटर, तो रेलगाड़ी को हम क्या लिखेंगे, 200। प्लेटफॉर्म के हम पी मान लेते हैं, क्योंकि इसमें दिया नहीं है प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो ये हमने पी ही लिख लिया, बराबर दूरी, ये चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 गुना 5/18, ये 5/18 से इसलिए मल्टीप्लाई की मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए, और समय कितना है कि 30 सेकंड, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी कितनी है, 200 प्लस पी, और ये 60 गुना 5/18 और गुना 30, जो 6 से डिवाइड करते हैं, 6 3 18 और 6 5 30, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 6 20, 25 50, यानी कि 500 मीटर आ जाएगा, और ये कितना है, 200 प्लस के पी, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 को इधर ले आएंगे बराबर से, कितना आएगा, 300, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में देखना, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अच्छा, वह 180 मीटर लंबे एक पुल को कितने समय में पार करेगी, तो समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितनी है, एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, देखना, रेलगाड़ी चल रही है, वह इतने लंबे पुल को पार करती है, पुल को कितने समय में?
पुल की लंबाई कितनी 180, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई 180, ये तो मीटर में है। और स्पीड कितनी दी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसके मीटर प्रति सेकंड बनेंगे 5/18 से गुणा करके, 18 × 36 ऊपर कितना आ जाएगा 0, 8, 7, 15 और ये कितना आ जाएगा जी 450/5×10, इससे कैंसिल हो जाएगा बराबर 45, ये आ जाएगा 45 सेकंड्स में, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही, तदनुसार वह 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी कितनी आ जाएगी 250 और प्लेटफॉर्म की कितनी है 520, ये तो दूरी लिखी है, और ये चाल कितनी है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड बनाइए, तो 5/18 से गुना करेंगे, अच्छा कितना आ जाएगा जी 200 और कितना है ऊपर 700, ये आ जाएगा 770 और बटे में कितना 55 और गुना 5 और 18 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 11 से काटेंगे 11 × 5 = 55 और 11 × 7 = 77 ये आ जाएगा, 5 × 2 = 10 इसमें गुना करेंगे 8 कितना आ जाएगा 0, 7 × 56 और 7 × 5 = 1250/5, 5×25 इसको डिवाइड कर दीजिए बस ये आंसर हो जाएगा, जो भी होगा 25×125 लगभग ये 50 या जो भी आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, उस रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर हो तो 87 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, देखना एक ही पुल है और इसे एक रेलगाड़ी पार कर रही है, रेलगाड़ी की लंबाई अपनी कितनी है 73 मीटर और पुल की कितनी है 87, ये कोई पुल है, अच्छा तो हमें समय बताना है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे, अच्छा दूरी कितनी है एक तो रेलगाड़ी की अपनी कितनी 73 और पुल की कितनी है 87, दोनों की जुड़ जाएगी क्योंकि एक रेलगाड़ी पुल को पार कर रही है, और चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसके मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे 18/5 से गुणा करेंगे, तो सॉरी 5/18 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर कितना आ जाएगा 160/60×5 और 18 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, गुना यहाँ पर क्या 0 से 0.5 6 18 गुना करेंगे तो कितना ये कैलकुलेट करके 9.6 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए, देखना चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी है एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर दी है, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर दी है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 320 और रेलगाड़ी की कितनी 160, तो दोनों जुड़ जाएंगे 160 और प्लस 320, ये तो दूरी हुई और समय कितना है 36 सेकंड, ये 36 तो क्या करेंगे ऊपर कितना आ जाएगा 480/36, लेकिन ये मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटा बनेंगे 18/5 से गुणा करेंगे, तो 18 × 36 5×10 से कैंसिल बराबर 48 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड आ जाएगी, ये आंसर हो जाएगा इसका डी आंसर। आगे बढ़ते हैं देखना 36वां, एक पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसमें 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 सेकंड में पार कर लेती है, तो हमें क्या बताना है पुल की लंबाई, दूरी बराबर चाल गुना समय का लगेंगे, चाल गुना समय, दूरी किसकी है एक पुल, रेलगाड़ी एक पुल को पार कर रही है ना, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी 130, पुल को हम पी ही लिख रहे हैं ना बराबर, और यहाँ पर स्पीड कितनी दी 45 है ना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा 45 गुना 5/18 भी करेंगे मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए, और सेकंड्स कितने हैं 30 सेकंड का समय देते हैं, बस ये कैलकुलेट करना है आंसर मीटर में आ जाएगा, 9×18 और 9×45 दो से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 15, तो 130 प्लस पी इक्वल टू ये कितना है 25, 25 गुना 15 बस 130 को इधर लाएंगे 25×125 और कितना 25 × 12 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 37, 375, तो 130 प्लस पी वन ये 375, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस करेंगे 0, 5 आ जाएगा और यहाँ 7 × 4 और ये आएगा 245 तो आंसर क्या आ जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37। एक 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटा चलते हुए 21 सेकंड में पार कर ले जाती है पुल की लंबाई, सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल को आपको चेंज करते रहना है मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए। 38वां क्वेश्चन 38।
एक 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल से 19 सेकंड में गुजर जाती है, ट्रेन की गति क्या होगी? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो फॉर्मूला सीधे फॉर्मूले में मान रखना है आपको, ऐसे कोई मुश्किल नहीं है। देखना 39, 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी? तो फॉर्मूला सिंपल सा क्या लग जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल को कन्वर्ट कर लेंगे। 40 का देखिए आप, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 900 मीटर प्लेटफॉर्म को 1 मिनट 12 सेकंड में पार कर जाती है, इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में बनेगी। देखना स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 300 मीटर की, तो क्या है रेलगाड़ी, और प्लेटफॉर्म कितना है 900 मीटर। एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार कर दिया, तो हमने क्या लिखी है दूरी, और समय क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखना पार करने में 1 मिनट और कितना है 1 मिनट और 12 सेकंड का टाइम होती है, 1 मिनट के हमने क्या बनाया सेकंड्स और प्लस 12 सेकंड, तो कितना हुआ 72 सेकंड्स, 72 सेकंड, तो बटे में हम क्या लिखेंगे 72। लेकिन ये क्या लिखा गया है, ये तो मीटर प्रति सेकंड में आएगा, इसके किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18/5 से और गुना करनी पड़ेगी, अब ये किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। कितना आएगा ऊपर 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12, 1200 और बटे कितना 72 और गुना 18/5, 18 × 72 कितना आ जाएगा जी, 5 से भाग करेंगे 4×5 20 कर लो, ये कितना देगा 20 से भाग करेंगे तो 60 आएगा, कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड आ जाएगी, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41, सिंपल सा वन लाइनर क्वेश्चन है, खुद से करना है। 42, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? आंसर सेकंड्स में दिया हो, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी किसकी, रेलगाड़ी की कितनी 110, ये तो रेलगाड़ी की लंबाई है ना, और प्लेटफॉर्म की कितनी 240 प्लस 240, और स्पीड क्या दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर हमें सेकंड में निकालना है, तो इसके आप मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जाएगा 350, ऊपर तो 350 और बटे में कितना है 60 × 5 और ये 18 ऊपर आ जाएगा, तो कैलकुलेट कर लीजिए इससे, तो क्या आंसर ये कितना आ जाएगा 5 से 35, 6 से काटेंगे 6 के 18, 7 किया 21 आ जाएगा, 21 सेकंड में ये उसको पार कर लेगी, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, ठीक ना, एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के एक खंभे को 264 मीटर लंबे एक पुल को क्रमशः 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की गति कितनी होगी, इनकी चाल कितनी होगी? देखा कंडीशन क्या दिए हैं, जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को एक साथ पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार करती है और व्यक्ति को पार करती है, तो इसकी आप एक कंडीशन देख लीजिए पहले, देखना यहाँ से समझिए आप, ये कोई रेलगाड़ी है और ये एक साथ ही दो वस्तुओं को पार कर रही है। देखना अगर दोनों तरफ स्थिर और स्थिर ऑब्जेक्ट हैं, स्थिर का मतलब जो स्टेबल होंगे, अपनी जगह फिक्स रहेंगे, जैसे ये किसी पेड़ को पार करेगी, एक तरफ इसके पेड़ है दूसरी तरफ भी एक पेड़ है, कोई ट्री है, इधर कोई खंबा है, खंबा पोल, और इधर भी कोई खंबा है, खंबा या पोल, या तो इनको पार करती है, या इधर कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति, इधर भी कोई व्यक्ति, या फिर क्या जाए इधर कोई पेड़ आ जाए और इधर किसी व्यक्ति को अगर पार करती है, स्थिर चीजें होनी चाहिए, या इधर कोई व्यक्ति है और इधर प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म स्थिर होनी चाहिए वो चीजें दोनों तरफ, अगर दोनों कंडीशन में किसी स्थिर स्थिर चीज को ये रेलगाड़ी एक साथ पार करती है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, दोनों की चाल बराबर रखते हैं, इस कंडीशन की चाल फर्स्ट बराबर इधर वाली कंडीशन की, जो दूसरी इसकी चाल, ये दोनों बराबर रखते हैं, यहाँ से इक्वेशन बनेगी, एक लाइन में आंसर आ जाएगा इसका, यानी कि S1 बराबर S2, है ना। और दूसरी कंडीशन देखिए, ये कंडीशन सेकंड क्या, अगर कोई रेलगाड़ी, जैसे रेलगाड़ी है, ये अस्थिर और अस्थिर चीज़ों को अगर पार करती है, अस्थिर का मतलब चलती हुई चीज़ है, इधर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जो चल रहा है, व्यक्ति चलता हुआ व्यक्ति, चलते हुए व्यक्ति को पार करती है और इधर भी चलते हुए व्यक्ति को पार करती है, चलता हुआ व्यक्ति, या फिर इधर दूसरी ट्रेन को पार करती है जो चल रही है ट्रेन, और इधर कोई व्यक्ति है ना, ये चलता हुआ मूविंग होना चाहिए, मूविंग, अगर वो अस्थिर चीजों को पार करती है, तो ऐसे में हम दूरी बराबर रखते हैं, d1 = d2, यानी कि पहली कंडीशन की दूरी बराबर दूसरी कंडीशन की दूरी, इससे आंसर आ जाएगा एक लाइन।
अब करते हैं आगे क्वेश्चन, इस चीज को आप नोट कर लेना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 देखना। एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के खंभे को 264 मीटर लंबे एक पुल को क्रम से 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है, तो हमें रेलगाड़ी की गति बतानी है। तो क्या करना है हमें, देखना ये कोई रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी इधर क्या है, तरफ तो खंभा है पोल और एक तरफ पुल, इधर तो कोई खंभा है और इधर पुल ब्रिज है इधर बना, तो इसे करती 8 सेकंड में पार और इसे करती 20 सेकंड में पार करती। तो हम क्या करेंगे इसमें, चार बराबर रखेंगे, एस वन बराबर एस टू, चार बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अच्छा, और खंभे और 264 मीटर लंबे पुल, पुल की लंबाई कितनी दी है 264 है ना, इसका मतलब पहले रेलगाड़ी के अंदर दूरी चाहिए, रेलगाड़ी की दूरी को हम टी मान लेते हैं। देखना तो एस वन बराबर एस टू, एस वन का मतलब जो हम पहली कंडीशन में इधर से जो हम चार निकाल रहे हैं, चार बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, समय कितना जब वो खंभे को पार करेगी 8 सेकंड का, बराबर ये केस टू क्या है, जब वो पुल को पार करती है तो दूरी क्या हो जाएगी, पुल की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई हमने एक्स मान ली और पुल की लंबाई 264 और बटे कितना है इसके 20 सेकंड, तो यहाँ से डी निकालिए, डी का मतलब रेलगाड़ी की लंबाई निकलेगी, चार दुनिया आठ और चार पंजे 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा 5D इक्वल टू कितना 2D और प्लस के 2 की गुणा करते हैं, 2 चौक 8, 2 6 12, 2 दो 4 5, 2 को आप इधर ले आइए सर, कितना आएगा 3D इक्वल टू 528, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी बराबर 3 और कितना बचेगा 22, 3 से 21 और 3 से 18, 176। एक आंसर तो ये आ जाएगा अगर पूछा गया है क्या है रेलगाड़ी की दूरी, रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई की दूरी बोलना है, लेकिन पूछा है चाल, देखना चाल चाहे तो आप इस तरफ वैल्यू पुट कर दीजिए या इधर रख दीजिए, डी बाई 18 अगर हमें चाल निकालनी है तो स्पीड इक्वल टू डी बाई 8, डी का मतलब 176/8, लेकिन ये तो मीटर प्रति सेकंड में आएगी, इसको किलोमीटर प्रति घंटा आप चेंज कीजिए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 इससे डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 2 चौक 8 और 2 से कितना आ जाएगा ना और कैंसिल हो जाएगा, तो 176/9/5 कितना आ जाएगा 520 इसको डिवाइड करेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, आई थिंक 79.something ये आंसर हो जाएगा इसका। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है, वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करती है, देखना आपको बताया था कि एक रेलगाड़ी ये दो चीज़ों को पार करती है एक साथ, लंबी एक दूरी खंभे को, तो इधर क्या है खंभा, खंभे को तो करती है 24 सेकंड में पार, और इधर है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म या प्लेटफॉर्म पर ही खंभा है तो दो कंडीशन बनेंगे, इसकी लंबाई कितनी है 650 मीटर, इसे पार करने में टी समय देती है निकालना, तो आपको क्या बताया था ये दोनों स्थिर चीजें हैं खंभा की और प्लेटफॉर्म की, क्या करेंगे इसमें एस वन बराबर एस टू लगाएंगे, पहली चाल बराबर दूसरी चाल, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय टी वन और बराबर दूसरी दूरी बटे टी टू, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है प्लेटफॉर्म कितना है, रेलगाड़ी की लंबाई है 240, तो 240 और जब ये खंभे को पार करती है तो 24 सेकंड का, और जब ये प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो 240 और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 650 बटे में कितना आ जाएगा टी टू निकालना, ये कितना आएगा इससे 10, तो 10 टी टू बराबर इधर जोड़कर 800 कितना हो जाएगा 890 हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, टी टू का मान कितना आ जाएगा 89 सेकंड से पार करेगी, ये आंसर 89 ए आंसर है, तो इस टाइप से ये ध्यान रखना है कंसेप्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 45। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो एक रेलगाड़ी की दो कंडीशन भी दी, देखना इधर क्या है, इधर तो प्लेटफॉर्म और इधर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, या उसमें कहा ना कि प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति, मान लीजिए आप इधर ही खड़ा कर लीजिए तो हमने आसानी से समझने के लिए ऐसा किया ताकि जल्दी क्लियर हो जाए, इसकी दो कंडीशन बनाने की, व्यक्ति इधर खड़ा है प्लेटफॉर्म इधर, या प्लेटफॉर्म इधर ले लीजिए व्यक्ति इधर, या दोनों एक ही साइड में ले लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 50 मीटर, व्यक्ति की तो भी नहीं सकती है ना, ये 14 सेकंड में पार करती है और व्यक्ति को कितने 10 सेकंड में पार करती है, तो हमें क्या बताएंगे रेलगाड़ी की गति,
देखना दोनों स्थिर चीज है, स्थिर इधर भी कौन सी स्थिर स्टेबल है और इधर भी स्थिर। इसके लिए आपको क्या बताया था, चाल बराबर रखनी चाहिए, एस वन बराबर एस टू, चाल बराबर दूरी बटे समय, एस वन बराबर एस टू, दूरी कितनी है जब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो रेलगाड़ी की अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है ये है नहीं हमारे पास, तो रेलगाड़ी की लंबाई को हम लिख लेंगे डी, डी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 50, और बटे में क्या लिखेंगे इसको पार करते हुए कितना समय लेती है 14 सेकेंड्स। एस टू की मान क्या लिखेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितना जो व्यक्ति को पार करेगी तो रेलगाड़ी की अपनी लंबाई की होगी, और बटे समय कितना लेंगे 10। बस इसे कैलकुलेट करना है आपको, डी की वैल्यू निकलेगी किसी भी तरफ आप डी की वैल्यू रखिए, ये कितना आ जाएगा 2 × 10 = 2 × 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7d = 5d + 5d + 5×25 = 250, तो 5d को इधर ले आएंगे 2d = 250, और यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 125। अब हमें बतानी है चाल, तो आप किसी भी तरफ मान लेंगे, देखना एस टू वाली इक्वेशन आसान सी, d/10 में वैल्यू रखेंगे एस बराबर कितना d/10, तो d की वैल्यू 125 और बटे 10, लेकिन हमें निकालनी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/500 होगी, ये कितना आएगा 525, और 5×25 5×10 2 से कितना आ जाएगा 9, तो 9×45 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड आ जाएगी, ये आंसर हो जाएगा हमारा डी। आगे बढ़ते देखना 46, एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में और दूसरे को 164 मीटर स्टेशन को 16 सेकंड में पूरी करती है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, सेम कंडीशन है वही, दोनों को एक साथ रख दीजिए, क्या रखेंगे इसमें 4 = 4 रखेंगे। 47, एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ एक टेलीग्राम के खंभे को 10 सेकंड में 15 सेकंड में पार करती, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 है, तो हमें बताना है विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, आप इनसे दोनों की स्पीड निकालेंगे, एस वन चार बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी कितनी है दोनों की 120 मीटर की है और समय कितना लेती है 10, तो इसकी तो आ जाएगी 12 मीटर प्रति सेकंड, ये तो पहली रेलगाड़ी की चाल है, और दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या आ जाएगी एस टू बराबर दूरी बटे समय, चाहे दूरी कितनी 120, समय कितना है और 15, तो 15×120 8 मीटर प्रति सेकंड। क्या कहा, एक दूसरे को विपरीत जाते हुए कितने समय पार करेंगे, जब वो एक दूसरे के विपरीत होंगी तो S1 S2 दोनों जुड़ जाएंगे, विपरीत दिशा में तो जुड़ी जाएगी, क्या निकालना है कितने समय में पार करेगी, समय बराबर दूरी बटे चार, दूरी कितनी है 120 और 120 मीटर की, पहली की लंबाई 120 दूसरी की भी 120, और बटे दोनों की चाल कितनी है 12+8 दोनों की चाल जुड़ जाएगी, देखना ऊपर तो दूरी और ये क्या जाएगा आंसर किसने दिया, सेकंड में दिया है, तो सेकंड में आ जाएगा कितना ऊपर तो कितना है 240 और बटे में कितना आ जाएगा 12×20 से भाग करें तो आ जाएगी 12 सेकंड में पार करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है, 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है रेलगाड़ी की लंबाई, वही कंडीशन एक रेलगाड़ी दो कंडीशन करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 49, जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, तो इसमें दिया है 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में क्रम से 65 और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तदनुसार जब वे एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर लेंगे, देखना क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कुछ कि एक रेलगाड़ी है और एक भी एंटी डायरेक्शन में, लंबाई कितनी 180 और इसकी लंबाई कितनी है 120, तो दोनों की जुड़ जाएगी, स्पीड पहले वाली कितनी थी 65 किलोमीटर पर आवर, सेकंड की कितनी दी है 55 किलोमीटर पर आवर, तो ये दोनों भी प्लस ही होंगे, हमें क्या निकालना है समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चार, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी होगी दोनों की 180 पहले की और दूसरी कितनी 120, और कितनी हो जाएगी स्पीड ये भी दोनों को जोड़ेंगे 65 और प्लस 55, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, हमें मीटर प्रति सेकंड बनाना है, तो 5/18 से गुणा करेंगे, 18 ऊपर आ जाएगा, ऊपर कितना आएगा 200, 300 आ जाएगा 300 और 18 की ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी गुना 18 और बटे में कितना आ जाएगा 65 और 55 की गुना 110 120 हो जाएंगे 120 × 5, बस ये कैलकुलेट करना है, ये कितना आ जाएगा 0, 5 से भाग करेंगे 5, 6 से भाग करेंगे 6×12, 2 से हमने भाग किया 9 सेकेंड्स, 9 सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगे, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50,
दो एक समान लंबाई की रेलगाड़ियां समांतर पटरी पर क्रम से 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 85 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही है। वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? देखना कंडीशन ये दी गई है कि दो रेलगाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी अगर हम लंबाई मानते हैं डी और इसकी भी डी, 2D हो जाएगी, 6 सेकंड में पार करती है। स्पीड पहले की थी और दूसरे की क्या, दूरी बराबर 4 गुना समय। देखिए यहाँ पर दूरी हमें 2D लेनी पड़ेगी क्योंकि एक डी है दूसरी की डी सेम लेंथ है। अच्छा स्पीड कितनी दी है, 65 और प्लस 85 दोनों जोड़ देंगे, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में तो 5/88 गुना करेंगे, और समय कितना है 6 सेकंड में पार करें, 6 से भाग करेंगे, 6 × 18 और ये कितना देगा 8 × 6 = 15 150 × 5/3 आ जाएगा, 3 × 3 = 15 और ये कितना दिया है 2D, 2 से ये कैंसिल कर दो 25 है ना, तो डी का मान कितना आ जाएगा 25 × 125 मीटर की है रेलगाड़ी, तो सी आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 51, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई विपरीत दिशा में 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, तो विपरीत दिशा में है दोनों, एक ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन, स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की हम मान लेंगे एस मान लीजिए आप दूसरी की, और लंबाई पहले की कितनी दी है 100 मीटर और दूसरी की है 120 मीटर, तो स्पीड क्या आ जाएगी विपरीत दिशा में तो जुड़ेगी, तो 50 प्लस क्या हो जाएगा S, ये तो दूरी है, दूरी बराबर सॉरी चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 100 मीटर और प्लस 120, और समय कितना है, समय 6 सेकंड होता है। देखना ये मीटर में है और ये सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड आएगा, किलोमीटर प्रति घंटे में 18/5 से गुणा करेंगे, अब सेम हो जाएगा ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में, कैलकुलेट करेंगे 6 × 18 दोनों करना आती है, 50 प्लस एस बराबर ये कितना आएगा 220 × 3 और बटे 5, 5 से भाग करेंगे 5 × 20 तो इसमें गुना करेंगे 50 प्लस एस बराबर 3 × 12 और 3 × 12 और 13 132 50 पाप ही धन जाएगी, एस बराबर कितना आ जाएगा 50 माइनस करेंगे 2 और 13 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, तो याद आएगा 82 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, दूसरे आंसर इन बी। 52 क्वेश्चन, देखना 180 मीटर तथा 220 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चल रही, एक दूसरे को कितने समय पार करेंगे, तो टी बराबर समय बराबर दूरी बटे 40, सिंपल सा फॉर्मूला, दोनों को जोड़ दीजिए और स्पीड को फिर चेंज कर लेते हैं। 53, एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर पटरी पर एक ही दिशा में 40 किलोमीटर और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही, तेज गति वाली गाड़ी धीमी गति गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर लेती, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखना एक ही दिशा में है दोनों, और ये बताया कि सेम लेंथ की है, अगर ये डी है तो ये भी डी, हमें दूरी बतानी है, तो दूरी बराबर 4 × 4 = 4 तो चाल क्या लेगी, ये दूरी तो 2D आ जाएगी क्योंकि समान लंबाई की, स्पीड कितनी है एक की 46 है और एक की कितनी है 36, ये माइनस हो जाएगी क्योंकि एक ही दिशा में है, और गुना 5/18 करेंगे मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए। अच्छा और समय कितना दिया 36 सेकंड बराबर, तो 18 दिया 36 गुना करते हैं, ये कितना बचेगा यहाँ से 10 × 5 और गुना 3, ये कितना है 2D, तो 2 से कैलकुलेट करेंगे 5 × 25 दिया या 25 दिया 75, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई फिर से ही कैलकुलेट किया 2D ये आ जाएगा, यहाँ से 10 बचेगा 10 × 5 × 5 = 25 सॉरी 2 है 18 × 36 2, तो 5 × 25 = 50 मीटर की दूरी है, ये आंसर है। ओके क्वेश्चन नंबर 54, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी मीड पत्थर को 15 सेकंड में पार करती है, विपरीत दिशा में चल रही है लंबाई की रेलगाड़ी 12 सेकंड में पार करती है, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये खुद से करके देखना। क्वेश्चन नंबर 55, एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही है, तदनुसार दूसरी रेलगाड़ी पहली को 30 सेकंड में पूरी तरीके से पार कर लेती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई दूरी बराबर 4 × 4, दूरी आ जाएगी 2D और 4 की सेम डायरेक्शन में, तो 60
60 और 90 एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो 90 माइनस 60 करेंगे, 90 माइनस 60 है ना, बड़ी चाल में छोटी बताएंगे, और गुना 5/18 और समय कितना है 30 सेकंड पर, बस ये कैलकुलेट करना आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 56, प्रत्येक 125 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर चल रही हैं, उनमें से एक 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और एक दूसरे को 6 सेकंड में पार करती है, दूसरी रेलगाड़ी की हमें 40 पर। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पहले भी करके देखना, कि अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में बताना। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ समांतर लाइन की एक 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तेज चलने वाली ट्रेन धीमी ट्रेन को 36 सेकंड से आगे निकल जाती है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी, वो ये आ जाएगा दूरी बराबर 4 गुना 4 गुना 7। ये तो सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले भी किया था। क्वेश्चन नंबर 58 देखना, ये थोड़ा अलग है। जब दो रेलगाड़ियाँ एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलें, तो दो रेलगाड़ियाँ एक स्थान से दो समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं, रेलगाड़ी की गति 45 किलोमीटर 40 किलोमीटर 45 मिनटों बाद रेलगाड़ी के बीच की दूरी कितनी, मतलब ये एक ही दिशा में, तो एक दिशा में क्या हो जाएगी, इनकी जो दूरी है वो भी चौड़ी जाएगी और चाल इनकी घटेगी, ये कितना 45 और ये 40 दूरी घट जाएगी। हमें निकालने क्या है इनके बीच की दूरी कितनी, तो दूरी बराबर 4 गुना समय कितनी है दोनों की, एक ही दिशा में, 45 माइनस 40 घट जाएगी और गुना, अच्छा ये किलोमीटर में ही निकालेंगे, खैर 5/18 गुना करेंगे किलोमीटर में निकालेंगे, समय कितना है वो 45 मिनट, 45 मिनट के भी आप घंटे बनाओगे 60 से गुना करेंगे, तो 15 से 45 15 6 60 ये कितना आ जाएगा घटाएंगे 5 5 गुना 3 और बटे 4 5 किया 15 बटे 4 तो कितना आ जाएगा 4 किया 12 कितने बचेंगे 30 4 7 28 और 4 मिनट यह आ जाएगा 3 किलोमीटर और 750 मीटर 3 किलोमीटर 750 मीटर सी आंसर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 59, दो ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और 6:30 बजे चलती हैं, उनकी चाले क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और इतने किलोमीटर, दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर वो एक दूसरे को मिलेगी। देखना एक ट्रेन चलती है इसमें 6 बजे और दूसरी ट्रेन चलती है 6:30 बजे, उनकी चाल कदम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा, दिल्ली से कितने किलोमीटर दूरी पर एक दूसरे को मिलेंगे। देखना दो ट्रेन है ये दिल्ली से चलती हैं, दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए, एक 6 बजे चलती है और एक 6:30 बजे चलती है 36 पर, कितना घंटे का डिफरेंस आया दोनों में, आधे घंटे का। अच्छा तो क्या करेंगे हम समय निकालेंगे, समय बराबर ये सॉरी दूरी निकालें, दूरी बराबर 4 गुना समय, तो चाल कितनी, चाल तो एवरेज लिखी जाएगी दोनों की 60 और 75, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 15 और समय का अंतर कितना है 1/2 ये आ जाएगा, तो कितना आएगा देखें 15 दून 30 30 दून 60 तो 75 दून 150 किलोमीटर की दूरी उनके बीच की, तो आंसर क्या हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 60, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है, देखना समय क्या हो जाएगा इसमें 6+4=10 घंटे, स्पीड कितनी हो 90, ये कर लेना खुद से क्वेश्चन। आगे देखते हैं 61, 200 किलोमीटर की दूरी दो स्टेशनों से दो रेलगाड़ियाँ एक ही समय से छूटकर विपरीत दिशाओं में जाती है और एक स्टेशन 110 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है, देखना दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 200 और एक रेलगाड़ी यहाँ से चली है, इसने तो कितनी कवर की है 110, तो दूसरी कितनी कवर करेगी फिर 90 ना, रेलगाड़ियों की गति का अनुपात जो दूरी का अनुपात होता है वही गति का अनुपात, तो एक की स्पीड कितनी है यानी कि एक में तो 110 और दूसरे में 90, कितना आ जाएगा 11:9 ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, दो रेलगाड़ियाँ ए तथा बी एक्स तथा वाई स्टेशनों से क्रम से वाई और एक्स की दिशा में प्रस्थान करती हैं, एक दूसरे को पार करने के बाद 4 घंटे 48 मिनट 3 घंटे 20 मिनट बाद वाई तथा एक्स पर पहुंचती हैं, यदि रेलगाड़ी ए की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा तो रेलगाड़ी बी की गति कितनी होगी, देखना क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये दो स्टेशन है एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक रेलगाड़ी इधर से चलती है ऐसे ये वाई पर पहुँचती है और दूसरी वाई से चलती है ये एक्स पर पहुंचती है, तो ऊपर की जो रेलगाड़ी है इसने ये कहीं पर मिली है, सपोज कि यहाँ पर मिली है, इसने जो टाइम लिया है ना ये यहाँ से यहाँ तक का समय,
पहले वाले ने, यानी कि ए ने, ये ए रेलगाड़ी है और ये बी रेलगाड़ी, ए को एक्स से वाई पर पहुंचना है, बी को वाई से एक्स पर, तो इसने लिया है 4 घंटे 48 मिनट। 4 घंटे 48 मिनट के आप घंटे बनाने, 60 से भाग करेंगे, 12 चौक 48, 12 5 60, 5 चौक 20 और 4, यानी कि 24/5 घंटे। पहली तो 24/5 घंटे में पहुँच रही है, और 2 से 3 घंटे 20 मिनट में, ये 3 घंटे 20 मिनट में पहुँची, तो घंटे बनाएंगे कितना है, 3 3 9 और 1 10 10/3 घंटे में पहुँची। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, S1/S2 = T2/T1। इसका स्क्वायर रूट लेंगे, T2 का मान कितना है 10/3 और T1 का मान कितना है 24/5, तो 24 और 5 ऊपर आ जाएगा, तो ऐसे क्रॉस करेंगे वर्गमूल, 2 से भाग देंगे 5 और ये कितना आ जाएगा 12, यानी कि यह 25/36 का स्क्वायर रूट। और किसका मान है, S1 का मान कितना है 45 किलोमीटर/आवर, तो S1 को 45/S2, 45/S = इसकी वैल्यू कितनी होगी 5/6, तो 5 × 45 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे S = 9654 किलोमीटर/घंटा, ये स्पीड आ जाएगी, आंसर हो जाएगा, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, एक रेलगाड़ी क्यू जाने के लिए पी से चलती है, उसी समय एक अन्य पी से क्यू की तरफ चलती है, दोनों रेलगाड़ियाँ 6 घंटे बाद मिलती है, पी से क्यू तक जाने वाली रेलगाड़ी 8 किलोमीटर/घंटा अधिक है और दोनों के बीच की दूरी 528 है, तो पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, देखना इस तरीके से है क्वेश्चन, ये पी और क्यू, क्यू की अगर हम स्पीड मानते हैं एक्स, तो इसकी एक्स प्लस 8 हो जाएगी, और दोनों 6 घंटे बाद मिलती हैं, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 528, 528 है यहाँ से और यहाँ तक 528 हो जाएगी, ओके। क्या करेंगे हम इसमें, कुल दूरी अगर हम दूरी लेते हैं D1 + D2, पहली की दूरी प्लस दूसरे की दूरी बराबर 528 आ जाएगी, कुल दूरी तो 528, दूरी बराबर 4 × समय, पहली की चाल कितनी X + 8, और समय दोनों ने कितना लिया 6 घंटे, क्योंकि सेम टाइम पर चले हैं दोनों, दूसरी कितनी आ जाएगी X × 6 = 528। इसमें से हम 6 कॉमन लेते हैं, क्या बचता है X + 8 और प्लस यहाँ से बचेगा 6, ओके 5 × 8, 6 से भाग करना 6 × 48 और 6 × 48, यहाँ से क्या आ जाएगा X + 6 + X बचेगा, तो क्या आ जाएगा 2X + 8 = 88, यहाँ से 2X = 80 आ जाएगा, तो X का मान कितना है 40, एक्स का मान 40 है, लेकिन स्पीड ये पूछिए पी की तरफ से जो चलिए, X + 8 यानी कि 40 और + 8 = 48, 48 किलोमीटर/घंटा स्पीड, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, दो रेलगाड़ियाँ ए और बी स्टेशनों से रवाना होती हैं और क्रम से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर/घंटा की चाल से एक दूसरे की तरफ चलती हैं, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं उस समय पहली रेलगाड़ी की अपेक्षा तो 120 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है, ए और बी के बीच की दूरी कितनी, ये इस टाइप से क्वेश्चन है, एक तो इधर से ट्रेन चली है और एक इस तरफ से चली है, तो जब ये मिलती हैं अगर ये स्पीड एक्स है तो ये 120 ज़्यादा है, यानी कि X + 120 ये दूरी है, अगर इसने ए और बी दो स्टेशन जो ए की तरफ से चलती है, इसने अगर एक्स डिस्टेंस कवर किया तो इसने X + 120 और स्पीड पहले वाले की कितनी 50 किलोमीटर/घंटा और बी की कितनी है 60 किलोमीटर/घंटा, तो ए बी के बीच की दूरी बतानी है, देखना दोनों एक साथ चली हैं, इसका मतलब दोनों का समय बराबर रखो, T1 = T2, ये होती है मेन चीज़ कि क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करें, ये चीज़ें समझनी पड़ेगी आपको, समय बराबर दूरी बटी चाल, दूरी पहले कितनी है एक्स, चाल कितनी हो 50, दूसरी की कितनी X + 120 और चाल कितनी है 60, इससे कैंसिल हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 6X = आ जाएगा 5X + 12 = 600, 5X को इधर ले आएंगे तो X = कितना आ जाएगा 600, दूरी कितनी अब हमें टोटल निकालनी है, टोटल डिस्टेंस बराबर टोटल दूरी आ जाएगी X + X + 120, पहली के द्वारा कितनी है एक्स समान 600 और दूसरी का कितना 600 + 120, तो ये आ जाएगा 1320, ये आंसर हो जाएगा इसका, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, ए और बी के बीच की दूरी 330 है, एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 8 बजे 60 किलोमीटर/घंटा की गति से चलती है और एक दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 9 बजे 75 किलोमीटर/घंटा की गति से चलती है, दोनों कितने बजे मिलेंगे, देखना इस क्वेश्चन के दो तरीके हैं, तो आप एक तो ये मेथड फर्स्ट देखिए और मेथड सेकंड, मेथड फर्स्ट देखना दोनों के बीच की दूरी कितनी है 330,
ये तो डिस्टेंस है ए और बी, ए से बी की तरफ चलती बी से है, स्पीड कितनी दी है, ये तो चलती है 8 बजे और दूसरी चलती है कितनी 9 बजे, ये 9 बजे दोनों के समय का अंतर कितना हुआ 1 घंटा, यानी कि 1 घंटा लेट चलती है। अच्छा स्पीड पहले वाले की कितनी 60, दूसरी की कितनी और 75। तो हम ऐसा करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम टी निकालते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल में फॉर्मूले मान रखेंगे। देखना याद रखना आप, या तो अगर हम इस क्वेश्चन में दूरी को बढ़ाकर लिखिए या इनका समय बराबर कीजिए, तो जो दूरी को हम बढ़ाकर लिखते हैं ये मेथड आसान होता है, और दूसरे जो मेथड से करेंगे उसको हम समय बराबर करेंगे, ये 8 बजे चलिए और ये 9 बजे, या तो दोनों में हम 8 ही बजाएंगे दोनों में 9 बजाएंगे। तो हम इसमें ये 8 और बी ही 9 ही रहने देते हैं, 330 में ऐड कर लेते हैं कुछ, क्या समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 330 और बटे चाल कितनी है एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो चाल जुड़ जाएंगे, पहले की कितनी है 60, दूसरे की कितनी 75, ये लिखा जाएगा। लेकिन ऊपर हम क्या करेंगे, अंश में कुछ दूरी और जोड़ेंगे, चूंकि समय दोनों का अलग अलग है, दूरी बराबर चाल गुना समय। आप ये देखो बाद में कौन सी ट्रेन चली 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 और कितने स्पीड से चलती रही हो, कितनी देर तक चलती रही होगी 1 घंटा तक, चूंकि समय का अंतर 1 घंटा है, ये हम इसमें गुणा करके जोड़ देंगे। तो ऊपर कितना आ जाएगा 330 प्लस 75 ये कितना आएगा 405 और बटे में कितना 135, भाग करेंगे 13 3 39 3 घंटे बाद है ना। तो समय एग्जैक्ट क्या आ जाएगा, समय बराबर पहली ट्रेन चली 8 बजे और इसमें 3 घंटे और जोड़ते हैं, यानी कि 11 बजे एक दूसरे को मिलेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, दूरी में एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, देखो क्या जोड़ा है हमने 75 गुना 1, जो ट्रेन बाद में चली है उसमें समय के अंतर की गुना कर दीजिए आप, समय का अंतर अगर 2 घंटे होता तो हम 75 की गुना 2 घंटे में करते 150 ऐड करते इसमें। अब इसका मेथड सेकंड देखते हैं, मेथड सेकंड क्या कहते हैं, देखें इसमें 8 बजे चली है और 9 बजे पहुंची है, जैसे 8 बजे और यहाँ से कितना है फिर 9 बजे, तो 8 बजे और 9 बजे समय का अंतर वही 1 घंटा आ जाएगा, और स्पीड कितनी दी है 60 और इसकी कितनी दी है 75, 60 और 75। आप इसे देखिए 1 घंटे तक आप इसको आगे बढ़ाइए इस ट्रेन को, समय दोनों का बराबर कर लेते हैं, ये भी 9 बजे कर लेते हैं। जब 9 बजे करेंगे तो जो 60 किलोमीटर की दूरी है ये 330 में से माइनस हो जाएगी, 330 माइनस 60 बराबर क्या बचेगा 270, दूरी कितनी है 270। अब हम निकालते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी 270 और चाल दोनों की कितनी है 60 प्लस 75, तो ये आ जाएगा 270/135, 13 × 26 यानी कि 2 घंटे बाद, और किस टाइम चली है 9 बजे, तो 9 बजे प्लस 2 घंटे, 9 बजे में हम 2 घंटे जोड़ेंगे 11 बजे, 11 बजे एक दूसरे, ये आंसर हो जाएगा इसका सी आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशन ए तथा बी हैं, एक रेलगाड़ी ए से 10 बजे और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन 10 बजे ही बी से ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, किस समय मिलेंगे, उससे निकालना समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल दोनों की जुड़ जाएगी और दूरी भी इसमें ऐड हो जाएगी, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नंबर 67, कर्नाटक एक्सप्रेस 5 PM पर बेंगलोर से छूटती है और 9 PM पर धर्मावरम पहुँचती है, कुर्ला एक्सप्रेस 7 PM पर धर्मावरम से छूटती है और 10:30 बजे बेंगलुरु पहुंचती है, किस समय दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करेंगी, क्वेश्चन इस तरीके से है, समझिए पहले आसान रहेंगे, स्टेशन का नाम है बेंगलुरु और यहाँ पर क्या है धर्मावरम, ये धर्मावरम है। तो एक तो कर्नाटक एक्सप्रेस है ये 5 बजे चलती है और किस टाइम पहुँचती है 5 बजे चलती है और ये ट्रेन पहुंचती है वहाँ पर धर्मा में 9 बजे, तो कितने घंटे लिए इसमें 4 घंटे, ये 4 घंटे पहुँचे, और जो दूसरी ट्रेन है जो धर्मा से चलती है और कर्नाटक पहुंचती है ये चलेगी 7 बजे और 10:30 बजे यहाँ पर पहुंची, 10:30 बजे, यानी कि ये टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा इसका 10:30 अगर करें तो 3.5 घंटे यानी कि 7/2 घंटे। हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में समय का एलसीएम लेते हैं, याद रखना समय का एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो दूरी आएगी क्या 4 घंटे और कितना 3.5 घंटे, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 4 × 7 = 28 एलसीएम आएगा, ये तो क्या था टाइम का हमने एलसीएम लिया है, और जो एलसीएम लेकर आई है संख्या क्या हो जाएगी दूरी, 28 किलोमीटर क्या है दूरी। अब 7 से इसको भाग करते हैं, सॉरी 4 × 7 = 28 और 7/2 से अगर भाग करते हैं 7 × 28 ये 8 आ जाएगा, ये क्या है कि 4, देखना 4 का और 7/2 का हमने एलसीएम लिया, तो
28 है, 28 क्या है इसमें दूरी, और जो भाग देख रहा है ये भागफल, ये क्या हो जाएगी इसकी चाल, तो दोनों की चाल भी है और दूरी भी है, तो समय निकालें, समय बराबर दूरी बटी चाल, दूरी कितनी 28 और चाल कितनी है 7 + 8 बराबर 15 है, लेकिन हम ऊपर जोड़ेंगे उसमें दूरी में कुछ, क्या आपको बताया था कि जो ट्रेन बाद में चल रही है उसकी स्पीड को गुना कर दीजिए, है ना, ये 5 बजे चली और ये 7 बजे, कितने घंटे का अंतर है, स्टार्टिंग का 2 घंटे का अंतर, तो 2 घंटे की गुना हम किस में करेंगे, जो बाद में चली, बाद में तो 8 की स्पीड वाली चली, 8, समझ गए ना, 2 कहाँ से आए, ये 5 बजे का और 7 बजे का अंतर, 5 और 7 बजे का अंतर, ये कितना आ जाएगा अंतर, 2 घंटे, हमने 2 घंटे से इसलिए गुना किया, तो ऊपर कितना 28 और 16 कितना हुई 44, और बटे में कितना 8 और 7 15, इसको भाग करेंगे 15 × 2 = 30, 2 घंटे और 14/15 मिनट, 14/15 मिनट की आप ये बने, 14/15 घंटे के आप मिनट बनाएंगे, क्या करेंगे 15 × 60, 14 × 56 बराबर 2 घंटे और 56 मिनट बाद मिलेंगे, किस टाइम चलिए और 5 बजे, 5 + 2 घंटे और 56 मिनट बराबर 7 बजकर 56 मिनट, ये आंसर आ जाएगा सर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, ए और बी दो स्टेशन 500 किलोमीटर की दूरी पर है, यदि ए गाड़ी ए से चलती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर बढ़ती है, एक अन्य गाड़ी उसी समय बी से चलती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बढ़ती है, दोनों रेलगाड़ी क्रॉस करने के किसी स्थिति से दूरी पर मिलेंगे, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पीछे किया। क्वेश्चन नंबर 69, एक रेलगाड़ी ए तथा बी स्टेशनों के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है, यदि रेलगाड़ी की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वही दूरी 48 मिनट में तय होती है, तदनुसार ए और बी स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, देखना, एक तो रेलगाड़ी है ये दिया गया है ए और बी, ये तो ए से चलती है बी स्टेशन 45 मिनट में और ये जो बी चलती है ये 48 मिनट, ये 45 और ये 48, आप इसमें समय का एलसीएम, समय का एलसीएम जो लेंगे वो दूरी हो जाएगी और जो डिवाइड करके आएगा वो चाल हो जाएगी, जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था, 45 मिनट के आप 60 से भाग करो घंटे बनाएंगे, कितना आ जाएगा 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, और दूसरा कितना है 48/60, ये कितना आएगा 12 × 48 = 12 × 5 = 60, 4/5 घंटे, आप इन दोनों समय का एलसीएम, ये क्या था समय, समय का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3, 4 और 5 का एलसीएम 60 आ जाएगा, 3 से भाग करेंगे 20, 20 × 80, 80 और ये कितना 4 से भाग करेंगे 15 × 5 = 75, ये क्या है इसकी चाल, समय का एलसीएम से भाग देकर चाल आएगी और ये क्या आ जाएगी कुल दूरी, क्या पूछा है इसमें, आप ये देखो चाल का अंतर कितना है 5, तो मैंने कितना कहा है कि चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी होती है, हमारी कितनी है 5, तो 5 यूनिट मान लेंगे, 5 यूनिट 5 इकाई बराबर 5, तो एक इकाई का मान कितना देगा 1, है ना, हर चीज़ एक गुना है, क्या पूछा है तदनुसार ए बी स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी, दूरी तो 60 है, तो 60 × 1 = 60 आंसर, ऐसे कर लेंगे, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 70, पी तथा क्यू 27 किलोमीटर की दूरी पर हैं, दो रेलगाड़ियां 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 28 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक साथ पी से क्यू चलना प्रारंभ करती है, एक ही दिशा में यात्रा करती है, यदि वे क्यू से आगे एक बिंदु आर पर मिलती हैं तो क्यू आर की दूरी, देखना दोनों एक ही दिशा में, तो 40 में घट जाएगा, S1 - S2 वाला लगा लेना फॉर्मूला, आगे करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, हावड़ा एवं नई दिल्ली की दूरी बरास्ता पटना 1440 किलोमीटर है और हावड़ा और नई दिल्ली की दूरी बरास्ता गया, जो गया एक जगह का नाम है बिहार में जो गया है, वह दूरी बरास्ता गया कितने किलोमीटर है, ये ऐसे दिया गया है कि अगर हम जाते हैं कहाँ से, दिल्ली से पटना जाना है पटना, और रास्ता कौन सा है 1440 किलोमीटर, लेकिन अगर हम दूसरे रास्ते से गया से होकर जाते हैं, एक स्टेशन का नाम है गया है ना बिहार में पड़ेगा, अगर हम यहाँ से जाते हैं तो 5% की कमी होती है, यानी कि आ जाएगा 95% हो जाएगा, फिर तो टोटल दूरी का 95% निकाल दो, 1440 का 95% 95/100 ये आ जाएगा कितने, 0 से 0 कैंसिल, 519 आ जाएगा, 5 × 2 = 10, 2 से बात करें 2 × 7 = 14, 19 × 2 = 30, 19 × 7 कितने हो जाएंगे 36 और 3 = 38, 1398 किलोमीटर आंसर, तो आंसर इज ए, अच्छा 71 हो गया, 72,
यदि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट विलंब से पहुंचती है, किंतु यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो केवल 5 मिनट विलंब से। देखना दोनों कंडीशन में विलंब विलंब है, देर देर है, लेट पहुंचती है। अपनी यात्रा पूरी करने के लिए रेलगाड़ी का सही समय क्या है? तो फॉर्मूला क्या लगेंगे? दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय। चाल कैसे लिखी जाएगी? दो चाल दी गई है 40 और दूसरी कितनी है 50, बटे में हम क्या लिखेंगे 40 और 50 का अंतर 10। और समय क्या लिखा जाएगा? देखना 11 मिनट लेट पहुंचती है और 5 मिनट लेट पहुंचती है, तो दोनों 12 मिनट लेट है, तो इनका अंतर लिखेंगे। डिफरेंस कितना है 6, तो 6 मिनट और बटे के आखिर में 60, तो आप इसे देखो, इससे कैंसिल, 6 से 6, 0 से 0, 5 चौक 20, 20 किलोमीटर की दूरी है। उन्होंने कहा समय बताइए, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है 20 और पहले वाले की चाल कितनी है 40, तो कितना है बटे में क्या लिखेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 घंटे का मतलब 30 मिनट, उसे 30 मिनट लगे। ये देखिए जो 30 मिनट है ना, ये लेट पहुंचती है कितनी, 11 मिनट लेट, 11 माइनस करेंगे उसे 19 मिनट में पहुंचना था, उसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा 19 मिनट, तो आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, एक इंजन के अगले पहिए का व्यास 2x है और पिछले पहिए का 2y है, समान दूरी तय करने के लिए अगला पहिया एन बार घूमता है तो पिछला पहिया कितनी बार घूमेगा, ऐसे इस टाइप से दो पहिए हैं। त्रिज्या देते हैं व्यास, त्रिज्या और व्यास का अनुपात सेम रहता है, तो डिफ्ट ये दिया है इसका डायमीटर, व्यास कितना है 2x, फॉर्मूला होता है पहले पहिए के चक्कर गुना व्यास या त्रिज्या गुना व्यास बराबर दूसरे पहिए के चक्कर और गुना दूसरे पहिए का व्यास, है ना, ये होता है फॉर्मूला। रीजनिंग में भी आएंगे बात क्वेश्चन में, तो चक्कर पहले पहिए कितना है n, व्यास कितना है 2x बराबर दूसरे पहिए के चक्कर हम मान लेंगे n, व्यास कितना है दूसरे चक्कर का, व्यास दिया 2y, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा n x और बटे y बराबर m का मान लेगा, तो ये आंसर हो जाएगा एक्स एन या एन एक्स, एन एक्स ये। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 74, एक ट्रेन P और Q के बीच की दूरी 48 मिनट में पूरी करती है, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो 45 मिनट में। अभी जैसे क्वेश्चन किया था एलसीएम ले लो दो समय का, 48 मिनट और 48 मिनट के घंटे बनेंगे बटे 60, तो 12 चौक 48, 12 पंद्रह 60, और दूसरा कितना है फिर ये 45 मिनट, तो 45 बटे 60, 15 या 45 और 15 छोटा 60, आप इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, एलसीएम 4 से भाग करेंगे 15, 15 पंजे 75, ये कितना आ जाएगा 3 से भाग करेंगे 20 छोटा 80, तो ये तो क्या था समय, और ये क्या था इसमें जो भाग देकर आया है चाल स्पीड, और ये क्या है तो दूरी, तो आप ये इसमें देखना दूरी कितनी बढ़ी 5 है ना, सॉरी चाल, तो चाल कितनी बढ़ा रखी गई 5, तो 5 यूनिट बराबर क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, ये भी 5 के बराबर, तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 1, एक इकाई बराबर है, क्या कहा क्वेश्चन, उस ट्रेन की आरंभिक चाल कितनी थी, तो आरंभिक चाल तो कितनी थी 75, तो 75 और गुना 1 बराबर 75 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर आंसर इज बी आ जाएगा 75 हो गई नहीं। 76 क्वेश्चन, एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समान गति से तय करती है, यदि चाल 15 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो उस समय 30 किलोमीटर 30 मिनट कम लगते हैं, सेम क्वेश्चन है भी करके देखने से 77 भी करके देखना हो जाएगा 78। एक रेलगाड़ी हावड़ा से वर्धमान 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति जाती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती पूरी यात्री की औसत चाल, औसत चाल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, चाल बराबर यह आ जाएगा औसत चाल का 2xy/x+y, इसे माने कि जो पहला क्वेश्चन था सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है 79, दो रेलगाड़ियां एक साथ स्टेशन से छूटती हैं, प्रथम रेलगाड़ी पश्चिम की ओर और दूसरी रेलगाड़ी उत्तर की ओर जाती है, प्रथम रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी की अपेक्षा 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है, दो घंटे में दोनों गाड़ियां 50 किलोमीटर दूरी पर हैं, तो प्रत्येक गाड़ी की औसत चाल, देखना अगर यहां से है एक तो रेलगाड़ी इधर को चली पश्चिम डायरेक्शन, ये तो कितनी चली है अभी बताएंगे, और एक नॉर्थवर्ड चली उत्तर की ओर, एक उत्तर की ओर ऐसे चली, लेकिन ये कहा कि इनके बीच की दूरी जो है कितनी है, दो घंटे बाद ये 50 किलोमीटर की दूरी, 50 किलोमीटर ये दूरी आई है दोनों के बीच की, ये बिंदु ऐसे चली है बी पर पहुंची और एक ए से चली और सी पर पहुंची है। देखना हम कुछ ट्रिपलेट्स पढ़ेंगे, ट्रिपलेट जिसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, क्या
अगर आधार तीन है और लंब चार है तो उसका विकर्ण पांच हो जाएगा डायगोनल, तीन चार और पांच, यानी कि तीन का स्क्वायर चार का स्क्वायर बराबर पांच का स्क्वायर 25। तो अगर हम इसको 10 से गुणा कर देते हैं तो 10 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी, 10 से यहाँ भी होगी मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा फिर ये 30 और 40 और ये 50, विकर्ण यानी कि 50, विकर्ण 50 है, इसका मतलब आधार अगर 30 है तो लंब उसका 40 है, 30 और 40। और ये कहा कि 2 घंटे बाद, यानी कि ये क्या आ जाएगी दूरी, और समय कितना है 2 घंटे बाद, यहाँ से चाल आ जाएगी। फिर पहले की हम चाल निकालते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, 30/2 बराबर ये तो आ जाएगी 15, और दूसरी की चाल बराबर दूरी बटे समय 40/2 ये आ जाएगी 20। तो एक तो इसमें दी गई है चाल 15 और एक की 20 है, 15 और 20 या 20/15 बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, दूसरी ट्रेन यही दूरी 1 घंटा कम में तय करती है, इन दोनों ट्रेन द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी का अंतर कितना। देखना 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, एक तो एलसीएम विधि से करेंगे, टाइम कितना दिया है, एक तो कितने में करती है 4 घंटे में, और एक घंटा कम में करती है, एक घंटा कम का मतलब 3 घंटे में करती है, एलसीएम कितना आ जाएगा, फिर एलसीएम आ जाएगा 12, भाग करेंगे 3 और 4, ये जो भाग देकर आया ये क्या हो जाएगी 4, और ये क्या आ जाएगी इसकी दूरी, दूरी बराबर 12 यूनिट, लेकिन दूरी तो दी है 180, 12 बराबर 180, इसे कैलकुलेट करें कितना जाएगा 15, यानी कि एक यूनिट का मान कितना है 50। और जो चाल का अनुपात है वही दूरी का अनुपात है, ठीक है ना, एक घंटे में उनकी दूरी में कितना अंतर है, यानी कि चाल में अंतर कितना है, एक का अंतर, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस एक, तो 1 × 15 = आ जाएगा 15, ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है, फिर भी जो क्वेश्चन नहीं समझ आए होंगे आपके तो वह आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। देखना इसके बाद में हम धारणा वाला चैप्टर शुरू करेंगे, है ना, बोट एंड स्टीम का, लेकिन उससे पहले ही कुछ हम दिल्ली पुलिस के और एनटीपीसी के बारे में जनरल स्टडी और मैथमेटिक्स तो यही काम करेगा, उसमें जनरल स्टडी की वीडियो डालेंगे, पहले उसकी इंस्ट्रक्शन है कि उसका सिलेबस हमारा क्या क्या है, पिन पॉइंट हमें पढ़ना है, उसमें जीएस पर ध्यान देना पड़ेगा विशेष। ओके, थैंक यू।